हाउ टू फाइंड इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन। कोई अगर पॉइंट दिया हुआ है और लाइन दिया हुआ है तो उसका इमेज कैसे निकालेंगे, दैट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। तो एक लाइन दिया हुआ है 3x-5+7=0 और पॉइंट है 1,2। इसका इमेज निकालना है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो अगर इसका इमेज क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। इस लाइन में अगर देखा जाए तो ये है, तो ये क्या हो गया, ए डैश है। और ए ए डैश क्या होगा, लाइन एल के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसका इमेज है तो जस्ट डायरेक्टली उसी लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और ये क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो लाइन एल का हम स्लोप देखते हैं क्या है, 3x-y+7=0 है ये लाइन। तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वाई इक्वल टू हो गया 3x+7, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होता है, mx+c। तो m इस स्लोप का कितना है, 3। तो इस लाइन का स्लोप कितना है, m=3। अगर मान लीजिए कि कोई दो परपेंडिकुलर लाइन है, तो उन दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो m1 × m2 = -1। तो लाइन l का स्लोप कितना दिया है, 3। और इस लाइन का ए डैश का कितना हम मान लेते हैं, m2। तो m1 × m2 क्या होगा, -1। तो 3 × m2 = -1। तो m2 = कितना हो गया, -1/3। तो इस लाइन का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, ए डैश का इक्वेशन क्या होगा। तो ए डैश में इक्वेशन का, इस लाइन ए डैश लाइन में स्लोप पता है -1/3, एक पॉइंट से पास कर रहा है। तो उस केस में इक्वेशन कैसे देते हैं, y-y1/x-x1 = स्लोप होता है। तो y-y1 कितना हो गया, 2/x-x1 कितना हो गया, 1। इक्वल टू स्लोप कितना है, -1/3। तो इससे हमें ये इस ए डैश लाइन का स्लोप निकल जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो गया, 3y-6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बराबर -x+1 हो गया। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो गया, x+3y-6-1=0 हो गया, x+3y-7=0। अब ए ए डैश और ए लाइन, ठीक है, इस लाइन का भी इक्वेशन क्या आ गया, x+3y-7=0। अब इन दोनों लाइन का हम इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकालेंगे, पॉइंट O, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, निकालने के लिए x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, मान ली इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को इक्वेशन को सोल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके अगर 2 माइनस कर दें तो क्या होगा, 3x+9y-21=0। ये कितना हो गया, 3x-y+7=0, क्वेश्चन 2 है। तो अगर माइनस करेंगे तो क्या हो गया, ये से कट गया, ये कितना हो गया, 10y-28=0। तो y = कितना हो गया, 28/10=14/5। तो x कितना आ गया, x का y का वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में, इसमें या इसमें, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x = क्या हो गया, x = x x+3y-7=0। इसमें y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x+3 × 14/5-7=0 क्या हो गया, x+42/5-7=0। x = 7-42/5 = 35-42/5 = कितना हो गया, -7/5। तो x कितना आ गया, x आ गया आपका -7/5 और y कितना आ गया, 14/5। तो ये हो गया क्या पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब चूंकि ए डैश एक इमेज है पॉइंट ए का, तो ओ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए डैश का,
क्योंकि इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि ये मिरर इमेज है तो दोनों डिस्टेंस को इक्वल होना पड़ेगा। तो क्या हो गया, अगर मान ले इसको कि x1 और y1 पॉइंट है, तो x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, O पॉइंट का x होगा, तो x कितना है O पॉइंट का माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, और y1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y का होगा, ये y कंपोनेंट कितना है 14 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ से x और y निकाल लेंगे, ठीक है, इन दोनों को सोल्व करके तो वही पॉइंट हो जाएगा, वही हो जाएगा ए डैस का वैल्यू, इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 14 डिवाइडेड बाई 5, तो x1 इक्वल टू क्या हो गया माइनस 19 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। उसी तरह y1 निकाल सकते हैं, कितना हो गया y1 प्लस 2 इक्वल टू ये उससे क्रॉस मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, तो y1 बराबर कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, तो माइनस 19 डिवाइडेड बाई 5 और 18 डिवाइडेड बाई 5 ये हो गया ए पॉइंट ए डैश। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इमेज किसी भी पॉइंट का।